अस्सलाम वालेकुम जलमी आर्मी, आपने इस लाल टोपी के बारे में बहुत सारे कमेंट्स में पढ़ा होगा। इस तिलस्माती टोपी ने मेरे सारे चैनल डुबा दिए। मैं वीडियो बनाना नहीं चाहता था पर बनानी पड़ रही है क्योंकि हुआ ही कुछ ऐसा है। ये बात है 26 जुलाई की, जब एक कंपनी ने मुझे इनवाइट किया अपने शूट पे। वहां पे मैं गया, मैं अपने साथ अपने दो दोस्त मुरसलीन और अवैस भाई को भी ले गया। अवैस भाई के सर पे थी यही लाल टोपी। मैं इस टोपी का जिक्र इतना क्यों कर रहा हूँ पता है, समझ आ जाएगी तुम्हें। हम निकले शूट के बाद सीधा पिशावर, पिशावर में एक दोस्त को लिया वहां से और सीधा गए स्वात। स्वात में हमने एक और दोस्त को लिया, एक गाड़ी ली जो कि ऊपर जाने के लिए रेडी हो क्योंकि ऊपर के रास्ते बहुत ज्यादा खराब है। वहां से हम गए कालाम, हमने कालाम में किया एक दिन स्टे। उसके बाद हम सीधा निकल गए एक ऐसी जगह जहाँ पे सिग्नल ना आते हो, जहाँ पे सोशल मीडिया ना हो, ताकि हम इस दुनिया की झंझटों से बिल्कुल दूर चले जाएं। तो मैंने अपने ड्राइवर से बात की और ड्राइवर ने कहा शाही बाग नाम की एक जगह है जो कि स्वात के बिल्कुल एंड पे आती है, पर रास्ता बहुत ज्यादा खतरनाक है, ना सिग्नल आते हैं, ना लोग रहते हैं, ना लैविश और लग्जरी होटल्स हैं। ये बात सुन के मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई क्योंकि हम लोग वीडियो में भी सरवाइव करते हैं और मुझे ऐसी जगह की तलाश। रास्ता बहुत ज्यादा खतरनाक था, रात का टाइम था, हम सारे दोस्त तफरियां करते हुए चिल करते हुए रास्ते में जा रहे थे। हम रात को वहां पे पहुंचे, बिल्कुल घुप अंधेरा था, हमें डर लग रहा था हम कहाँ आ गए क्योंकि खूबसूरत जगह रात को नहीं दिखती क्योंकि लाइट्स नहीं होती आपके पास। हमें एक कमरा मिला, हमने जैसे तैसे करके गनीमत जान के उस कमरे में स्टे किया। सुबह उठे जब हमने वो जगह देखी, हमारी आंखों में चमक आ गई। जगह बहुत ज्यादा खूबसूरत, बहुत मजे की जगह, खूबसूरत पानी, परिंदे चहचहा रहे हैं, एक खूबसूरत हवा चल रही है, बेहतरीन वादी, दो पहाड़, उसके बीच में सूरज उग रहा है, नीचे एक ब्लू पानी और वो भी बिल्कुल खामोश। थोड़ी देर बाद हम लोग आगे गए, दोस्त थे बहुत सारे, साथ में तफरियां करनी थी, तो कुछ इस तरह की तफरियां गई, कहीं उल्टे लटके हैं, कहीं पर टाइम लैप्स बनाया, पर सारी जगह हमारी थी क्योंकि हमारे अलावा वहां पे कोई नहीं था। थोड़ा सा हम आगे गए तो अवैस भाई ने मुझे कहा कि उनको पानी में जाना है। उन्होंने हम दो दोस्तों से कहा कि आप लोग दो डिफरेंट एंगल से रिकॉर्डिंग करें, मैंने पानी में जाना है। मेरे तीसरे दोस्त ने भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी वैसे ही गोप्रो से, और उस गोप्रो में ये मेन सीन रिकॉर्ड हुआ। आपने देखा मेरे हाथ में था एक फोन और मैं बैठा हुआ था उस पत्थर के ऊपर जिसके आसपास पानी था। अवैस भाई पानी में गए, डुबकी लगाई, मेरे हाथ में आप लोगों को फोन दिख रहा है ऊपर की तरफ, दूसरी तरफ से मेरा दोस्त रिकॉर्ड कर रहा है। जब वो पानी से बाहर आए तो उनको लग रही थी बहुत ज्यादा ठंड, उनको ग्रिप करने के लिए दोनों हाथों की जरूरत थी, तो उन्होंने एक हाथ को फ्री करने के लिए अपनी ये कैप जो कि काफी भारी हो चुकी थी मेरी तरफ बहुत ज्यादा स्पीड से फेंकी। इस कैप का ये जो मेन सख्त वाला हिस्सा है ये गीला हो चुका था और ये सीधा आके, जबकि मुझे नहीं पता था कि वो मेरी तरफ कैप फेंक रहे हैं, मैं फोन में देख रहा हूँ और एक कैप मेरी तरफ आती है और मेरे इस फिंगर से आके टकराती है और फोन मेरे हाथ से गिर जाता है। वक्त रुक गया था उस टाइम पे, अचानक से फोन नीचे गिरा और मैं अपने फोन को पानी के अंदर जाता हुआ देख रहा था। मुरसलीम जो कि मेरा दोस्त है साथ बैठा हुआ था, उसने डायरेक्ट पानी में जंप कर दिया, बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन हो गई थी हमारे लिए। अवैस भाई जो कि पानी के अंदर थे, फोन को बचाने के लिए उन्होंने गहरे पानी में जंप कर दिया जो कि उनके लिए सबसे खराब डिसीजन था क्योंकि पानी में बहुत देर रहने की वजह से उनके पांव जाम हो चुके थे और उसके अलावा स्विमिंग करने का कोई तरीका नजर नहीं आ रहा था क्योंकि पानी का फ्लो वहां पे बदकिस्मती से सबसे ज्यादा था। मेरा एक दोस्त गोप्रो को ऑन करके चला गया था जबकि दूसरे दोस्त को पता नहीं था इसकी रिकॉर्डिंग ऑन है, तो आप लोग देख सकते हैं साइड से हाथ में यूं पकड़ा हुआ है उसने गोप्रो, उसको नहीं पता कि ये ऑन है और कुछ ना कुछ रिकॉर्डिंग और कुछ आवाजें आप लोगों को आ रही होंगी। उस दिन काफी ट्राई करने के बाद भी मुझे मेरा फोन नहीं मिला। जब मेरे हाथ से मेरा फोन गिरा, दुनिया मेरे लिए स्लो डाउन हो क्योंकि उस फोन के अंदर फोन की कीमत से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें थी। मेरे तीनों चैनल्स के पासवर्ड, मेरे तीनों चैनल्स कहीं और लॉगिन नहीं थे। मैं ऐसी जगह पे था जहां पे कोई सिग्नल नहीं है, मैं किसी ड्राइवर या किसी प्रोफेशनल को नहीं बुला सकता, वहां से आबादी भी 5 से 6 घंटे दूर थी। उसमें मेरी बहुत सारी यादें, मेरी बहुत सारी पिक्चर्स, सब कुछ मौजूद था। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैंने जलमी प्लेस की वीडियो, जिस पे मेरे एक वीडियो पे बहुत बहुत खर्चा होता है, जो वो वीडियो कमा के देती है उससे तो बहुत ज्यादा खर्चा होता है, वो 3 वीडियोस उसमें मेरी सारी एफर्ट्स के साथ सिर्फ डेटा उसी के अंदर मौजूद था और कहीं पे नहीं था, टूट गई। हम लोग 1.5 घंटे तक उस फोन को ढूंढते रहे पर वो किसी दराड़ में चला गया था या किसी फ्लो के साथ बह गया था, हमें समझ नहीं आ रही। उस दिन मैं रात को रूम में गया, बहुत ज्यादा अफसोस में था, नींद भी नहीं आ रही। सबसे ज्यादा टेंशन उन वीडियोस की थी और उन डेटा की थी जो मेरे पास था, जो कि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा, और वो उस पानी में चला गया। गाइस ये वीडियो में बनाना नहीं चाह रहा था पर अब बनानी पड़ रही है क्योंकि बहुत मजे का सीन हो रहा है।
वो सामने जगह देख रहे हो, कल मुझे वहां पे मुझसे फोन गिरा था, और ये टोपी लाल वाली देख रहे हो इसकी वजह से गिरा था। सलमान भी यहाँ पे आ चुके हैं, हमारे पास रेस्क्यू टीम के एहलकार मुरसलीन जो कि हर जगह रेस्क्यू करते हैं हमें, गोप्रो भी आ चुका है, ऊपर डंडे हैं हमारे पास, इन डंडों से हम गोप्रो को बांधेंगे। फील हो रहा है तुम्हें कि मिलेगा फोन? मैंने तो ख्वाब में भी देखा है। आपको क्या लगता है भाई? मुझे लगता है इंशाल्लाह मिलेगा, मिलेगा फोन, इंशाल्लाह फोन मिलेगा। ये टोपी हटाओ भाई, नफरत है इस टोपी से अभी हमें। मुरसलीन से ज्यादा पानी में कोई नहीं रहा। मुरसलीन तुम बताओ पानी टेम्परेचर क्या होगा? 1-2 होगा। 1-2 ना, यकीन माने फील लाइक -10। गाइस अभी हम लोग सामने उस पुल से गुजरेंगे, वो वाला छोटा सख्त पकड़ना, मोबाइल गिर जाएगा पानी में। भाई ये देखो, इसको अपने फोन की पड़ गई है। भाई मेरा कोई मसला नहीं है, लोगों को बोलो टोपियां फेंकना बंद करें। ये देख गाइस, मैं भी फोन ये वाला भी गिराने लगा। ओए भी ये गोप्रो, वो दूर डंडे नजर आ रहे हैं, उसके साथ हम लोग बांधेंगे और पानी के अंदर की फुटेज चेक करेंगे कि फोन मेरा कहाँ पड़ा हुआ है। तो वो सीन रिक्रिएट करें इनके सामने कि कैसे फोन गिरा था ये वाला, गिरा के होना चाहिए ना, लगेगा होना चाहिए। तुम्हारा फोन गिरेगा? नहीं इसके क्या लग रहा है कि सुबह सुबह सूरज नहीं निकला होता तो ग्लेशियर ज्यादा पिघले नहीं होते, पानी कम होता। इस तरह की किसी दरार में गया हो ना फिर तो नहीं मिलता। यहाँ मैं बैठा हुआ था और फोन गिर गया था यहाँ से। हालांकि पानी कम हुआ है, पक्का पानी कम है। सबसे खतरनाक जगह पे वहाँ गिरा होता मिल जाता, वहाँ गिरा होता मिल जाता, यहाँ नहीं मिल सकता भाई, क्योंकि वो फ्लो देख रहे हो आप लोग पानी। मामा बहुत ज्यादा टेंशन में, मामा बहुत टेंशन में यार, तो मजाक समझा। ये टाटीन पिरो मिले, टाटीन पिरो जैसे हम लोगों ने गोप्रो पानी के अंदर डाला, तीसरी या चौथी फुटेज में हमें हमारा फोन एक पॉइंट पे वाइट पत्थर के पास दिख गया। ये फोन की फुटेज इतनी साफ थी कि हम बहुत ज्यादा खुश हो गए। हम लोगों ने और अच्छे तरीके से ढूंढना शुरू किया, पर फोन पानी के नीचे 8 फुट एक दरार के अंदर मौजूद, जबकि दरार की अपनी गहराई भी तकरीबन 4 फुट थी। और बहुत बड़े मिशन के बाद हमें थोड़ा सा लग रहा है कि आईफोन है, घर जाके फुटेज देखनी पड़ेगी, पर अभी यहाँ पे छोटी स्क्रीन में चेक करके थोड़ा एनालाइज कर रहे हैं, मुझे लग रहा है फोन निकल आएगा। हम तकरीबन लास्ट 2.5 घंटे हो गए ना, नहीं 2.5 घंटे हुए ना, 2.5 घंटे हो गए ना, 2.5 घंटे से लगे हुए ये भाई बैठे हैं यहाँ पे, बीमार हो गए। इन्होंने बहुत ट्राई किया, सब लोगों ने बहुत ट्राई किया, हम लोगों ने बहुत सारी चीजें यहाँ से निकाली, पर और फोन दिख भी रहा है हमें, फोन दिख भी गया कि कहाँ है। हम लोग यहाँ से कुछ भी करके ना नहीं निकाल सकते, मुश्किल है भाई, पर चलो तसल्ली तो हो गई कि पड़ा कहाँ है। आपने तो कोई कोशिश नहीं की। ये लाल टोपी देख रहे हो गाइस, ये लाल टोपी ने सब कुछ किया भाई। मोबाइल तो गया, गोप्रो में दिख भी गया, क्लियर के वो मोबाइल है, आप लोगों को फुटेज क्लियरली दिख रही होगी। हम लोगों ने अपनी तरफ से पूरी ट्राई की, पर कुछ चीजें ऐसी होती है जो अल्लाह ताला की तरफ से, वो आपके नसीब में नहीं होती। इसी के साथ गाइस हमें फोन नहीं मिला, पर हमें मिले बहुत सारे हमारे दोस्त। अपना ख्याल रखिएगा, शाही बाग के लोग बहुत ज्यादा फ्रेंडली है गाइस। अपना ख्याल रखिएगा, इसी के साथ दीजिए इजाजत। ओके अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।